हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन मास्टर्ड मील्स। और आज बनाते हैं चना मसाला। ये मैंने चना भिगाया था, अभी सुबह भिगाया मैंने 6 बजे, तो एक 4 घंटे हो गए। तो बनाते हैं चना मसाला आज। और डालेंगे, मैं ये कुकर रखी हूँ और इसमें डाल देंगे ये चना, मैंने धो के रखा है। और इसमें डालेंगे अभी 1 चम्मच शक्कर की, ये, और डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जितना लगेगा उतना, और इसको उबाल देंगे। क्या गया, इसको उबाल देंगे एकदम सॉफ्ट। सीटी जाने के बाद हम 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। और मैंने इतना पानी डाला है जितना आप देख सकते हो, चना डूब जाए उतना पैसा, पानी डालने का पैसा, क्या बोल रही हूँ। तो और इसको 20 मिनट तक उबालते हैं। ये देखो मैंने मसाला निकाला है, मतलब जो ग्राइंड करने का है अपने को। ये 2 टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज़ के, और ये 3 छोटे मीडियम साइज़ के कांदा, ये 4-5 लहसुन लिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और ये 5-7 मिर्ची लिया, हरा मिर्ची। ये सब हम एक साथ पीस देंगे मिक्सर में। और ये लिया मैंने 2 चम्मच तिल, ये देखो, और 1 चम्मच अपना काला मिर्च है। तो ये सब इसमें मिक्सी में सब पीस देंगे एक साथ। चलो तो फिर बनाते हैं अपना चना मसाला। ये मैंने तेल डाला है, मैंने ये अपना गरम मसाला लिया है, ये जो तेज़पत्ता 1 लिया, और ये दालचीनी का 2 टुकड़ा, ये 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची लिया है मैंने, ये उसको थोड़ा क्रश करके लिया है। और मैंने डाला है राई का तेल इसमें 2 चम्मच। अब डालते हैं ये अपना गरम मसाला इसमें, बाद में डालते हैं ये हींग थोड़ा सा, फिर डालेंगे ये मसाला जो हमने पीसा था, टमाटर, कांदा, मिर्ची, लहसुन, अदरक, सब ये डालेंगे अभी, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। चलो तो फिर बनाते हैं अपना चना मसाला। ये देखो, आप देख सकते हैं इसका तेल निकल रहा है, मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अपना प्याज, टमाटर, कांदा, लहसुन, अदरक, सब। तो अब डालते हैं ये मसाला जो मैंने निकाला है, ये है धनिया, जीरा, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला 1 चम्मच, हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा काला नमक। तो ये सारा मसाला अब डाल देंगे और थोड़ी तरह भुनेंगे थोड़ा सा। देखो मैंने मसाला सब अच्छी तरह से भून लिया। तो अब डालते हैं ये पानी जो मिक्सर में था, मिक्सर धो के डालना चाहिए। ये पानी डाल दिया, गैस करो बड़ा अभी, और थोड़ी 1 मिनट तक इसको पानी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला तैयार हो गया है। तो अब डालते हैं अपने चने, ये देखो बहुत अच्छी तरह से उबल गए हैं। तो पानी के साथ ही डालो, इसमें वो रहता है, क्या बोलते हैं इसको, विटामिन्स रहता है, तो ये पानी ही डालने का, और अलग से दूसरा पानी नहीं डालो तो और टेस्टी हो जाता है। इसको अभी थोड़े 2-3 मिनट उबाल देंगे ताकि इसका चना का मसाला मिल जाए,
मसाले को चना मिल जाए। ये देखो अपना चना रेडी हो गया है। अभी अब डालेंगे थोड़ा सा धनिया, ये धनिया मारेंगे। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि मेरे रेसिपीज़ आपको सब मिल जाएंगे। थैंक यू। अब डालते हैं एक चम्मच घी ऊपर से, एक भी नहीं आधा चम्मच है वो तो। और डालेंगे अपना ये कसूरी मेथी, थोड़ा सा कसूरी मेथी एक चम्मच। और गैस को बंद करते हैं। रेडी हो गया अपना चना। ये देखो अपना चना मसाला तैयार है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी मस्त बना है। और ये जो है अपना पूरी है, बहुत अच्छा पूरी बन गया आज। तो आप खा के बताओ कैसे बन गया है, बना के देखो। और ये अपना सैलेड है, बहुत मस्त लगता है ये सैलेड। कचुम्बर, ये कचुम्बर बोला जाता है इसको। तो आप करके देखो, बना के देखो चने। ये जो पाव भाजी का मसाला डाला है ना, उससे बहुत टेस्ट आती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।